नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई इरफान भाई एक बार जोर से लगाए जय, एक बार जोर से लगाए, बोलिए एक बार, हाँ बोलिए, ऐसा ऐसा जय श्री राम, बस हो गया। जय श्री राम का नारा ना लगाने पर मॉब लिंचिंग की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले झारखंड में तबरेज अंसारी को पीट पीट कर हत्या कर दी थी। वही झारखंड में एक मंत्री कांग्रेस के एक मुस्लिम विधायक पर जय श्री राम का नारा लगाने के लिए दबाव बनाते दिखे। यह घटना विधानसभा के बाहर हुई और पूरा वाक्या कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में दिख रहा है कि मंत्री सीपी सिंह विधायक इरफान अंसारी का हाथ पकड़े हुए हैं और वो कहते हैं, इरफान भाई आप जोर से जय श्री राम का नारा लगाइए। सीपी सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने आगे इरफान अंसारी से कहा कि आपके पूर्वज भी राम वाले ही थे, बाबर वाले नहीं। मेरी बात सुनिए, हो गया काम। श्रद्धा राम का मतलब डराने के लिए ना, आपको डराने के लिए नहीं भाई, डरा नहीं सकते। तेरे पूर्वज भी जय श्री राम वाले के गुलाम हैं, आप जय श्री राम के, राम का नाम बदनाम मत कीजिए आप लोग। आपके पूर्वज भी जय श्री राम के थे, सबके है राम। आपके पूर्वज बाबर नहीं थे। काम चाहिए, रोजगार चाहिए, काम चाहिए। आपके पूर्वज शहर में नाली चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए। वीडियो में आगे दिखाई दे रहा है कि इरफान अंसारी कहते हैं, आप लोग राम का नाम डराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, राम के नाम को बदनाम कर रहे हैं। इस वक्त नौकरियों, बेरोजगारी, पानी, बिजली और सीवर पर बात होनी चाहिए। इस पर सीपी सिंह कहते हैं, मैं यह आपको डराने के लिए नहीं कर रहा हूँ। यह मत भूलिए कि आपके पूर्वज जय श्री राम का नारा लगाते रहे हैं। तैमूर, बाबर, गजनी आपके पूर्वज नहीं थे, आपके पूर्वज श्री राम को मानने वाले थे। लेकिन आप खुद ही सोचिए, जिस तरह से हाथ पकड़कर जबरन जय श्री राम के नारे लगाने की कोशिश किया जा रहा है, उससे साफ झलकता है कि उनकी मंशा क्या थी। क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि इन जैसे कथित नेता जय श्री राम के नाम पर हो रहे अपराध को और बढ़ावा दे रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।